बॉर्डर से आ रही ये तस्वीरें, जहां किसान आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर बवाल कितना बढ़ चुका है वो आप देख सकते हैं। ये तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, और किसान ये कह रहे हैं कि चाहे लाठी मिले, चाहे उन्हें गोली का सामना क्यों ना करना पड़े, वो तो दिल्ली कूच करके ही रहेंगे, और इसीलिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। जो सिंधु बॉर्डर है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और सील करने के साथ ही वहां पर किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है, पीछे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसान मानने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर ये जबरदस्त हंगामा हो रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है कि जो किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें जैसे तैसे यहां से हटाया जाए, इस भीड़ को जैसे तैसे यहां पर हटाया जाए। देखिए, सुबह से ही लंबी लंबी जो कतारें हैं किसानों की, वो देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। किसान हंगामा कर रहे हैं, और किसानों के हंगामे को देखते हुए फिलहाल शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और इसका सीधा मकसद ये है कि किसानों को बिना नुकसान पहुंचाए पहले उनकी इस भीड़ को यहां से तितर बितर किया जाए। बड़ी संख्या में फोर्स के साथ जो किसान आगे बढ़ रहे हैं उन किसानों को पीछे हटाया जाए, और इसीलिए संघर्ष की स्थिति फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर बनती हुई नजर आ रही है, शंभू बॉर्डर पर बनती हुई नजर आ रही है। तो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हंगामा बढ़ चुका है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, सबसे पहले हालात बताइए, क्या चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर, किस तरीके का संघर्ष है? देखिए, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो है टियर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया गया है तितर बितर करने के लिए, और काफी ज्यादा टियर गैस के बाद एक जो है काफी बड़ी संख्या में टियर गैस यहाँ पर छोड़े गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से। उसके बाद किसान जो है वहां पर इकट्ठे हुए थे वो तितर बितर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर तनाव जो है वो अभी पूरी तरह से बन गया है, और लगातार जो है ये पूरा एरिया जो है वो स्मोक से पूरी तरह से भर चुका है, और काफी ज्यादा जलन जो है वो यहाँ पर हो रही है। और आप किसान जो है बहरहाल वहां पर जो पूरी तरह से बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे वो अब वहां से तितर बितर हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे जरूरी यह है कि किसानों की भीड़ को यहां से हटाया जाए, किसानों की भीड़ को यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पंजाब से दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये जो शंभू बॉर्डर है ये इलाका फिलहाल संघर्ष का इलाका बना हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि किसानों को यहां से भागना पड़े, किसानों को यहां से हटना पड़े। ये स्थिति आखिर कैसे पैदा हुई पुनीत, ये भी समझाइए, अचानक आंसू गैस के गोले पुलिस प्रशासन को आखिर क्यों छोड़ने पड़े? देखिए, ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ही किसान जो थे लगातार यहाँ पर बढ़ रहे थे, उसके बाद अचानक से कुछ किसान जो थे वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, और एक जो किसान था वो ट्रैक्टर लेकर जैसे उस बैरिकेड के पास पहुंचा, उसी समय पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस शुरू कर दिया पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से, एक एक करके काफी ज्यादा तादाद में जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए, और उसके बाद लोग वहां से भागने शुरू हो रहे। अभी भी आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पे दागे जा रहे हैं, एक और आंसू गैस के गोले यहाँ पर किए गए हैं। लगातार ये कार्रवाई जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की जा रही है, और किसान जो है ये आप आवाज सुन सकते हैं यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पुनीत, लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में ये टियर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने ये प्रमुख मांग किसानों की है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि किसानों को यहीं पर रोका जाए, दिल्ली में जमावड़ा ना करने दिया जाए। पिछली बार जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, तकरीबन 378 दिन किसान सड़कों पर बैठे रहे थे, बॉर्डर सील करने पड़े थे, वैसी स्थिति ना बने यही कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, और इसीलिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो बड़ी संख्या में बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए, इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की गई, पैदल जो किसान थे वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और जिन किसानों के पास वाहन थे, जिन किसानों
किसानों के पास ट्रैक्टर थे, उसके जरिए भी इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए भगदड़ जैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसानों को यहां से हटा दिया जाए, किसानों की इस भीड़ को यहां से तितर बितर कर दिया जाए। इसीलिए प्रशासनिक बल की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में भारी जमावड़ा लगाने की कोशिश है और उसका सीधा असर दिल्ली की रफ्तार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जहां एक तरफ संघर्ष की स्थिति है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा, तो वहीं भीड़ की जो तादाद है उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और ट्रैफिक जाम जो है, जो गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, जो पहियों पर ब्रेक लग चुका है, वो बताने के लिए काफी है कि इसका सीधा असर दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली से आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल एक्शन शुरू हो गया है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे थे। पुनीत, किसानों का कहना क्या है, किसान चाहते क्या है? जब पुलिस उनसे बात कर रही है तो ये अचानक से संघर्ष की स्थिति बनना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि किसान जो है वो एमएसपी की गारंटी को लेकर मांग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि एमएसपी को लेकर जो बैठक हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए वो एमएसपी पर अपनी मांग पूरी करवाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 2020 में जब ये आंदोलन हुआ था तब भी उन्होंने दिल्ली सरकार, जहां पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी मांग को माना था। लेकिन अब जब कुछ जो लोग थे, कुछ युवा थे, वो एकाएक ट्रैक्टर लेके जैसे ही वो आगे बढ़े और वो जैसे ही बैरिकेड उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, उसी वक्त जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उन्होंने वहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो दागने शुरू कर दिए। और ये जो आंसू गैस, जो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, उसका सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। लगातार जो है उसी तरफ से आंसू गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। भीड़ थोड़ा सा आगे बढ़ती है, जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसके पास से फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। टीयर गैस उनके द्वारा छोड़े दिए जाते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। फिर भीड़ जो है अपनी जगह से भागती है, जैसे वो भागकर थोड़ा पीछे होती है, शांत होता है वातावरण, लेकिन फिर भीड़ आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो दागने शुरू कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिलसिला शुरू होता है 12 फरवरी की रात से, जब चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद ही किसानों ने यह तय किया था कि वो दिल्ली का कूच करेंगे, एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना देंगे, दिल्ली में घुसकर सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करेंगे। और किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया गया। पंजाब से भारी संख्या में जो किसान थे वो दिल्ली की तरफ इकट्ठा होने लगे, दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, पुलिस को पहले से ही अंदाजा था। और इसके लिए हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई, हरियाणा और दिल्ली की सिंघू टीकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़े गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया, दिल्ली में कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है, 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। इसके बावजूद जब किसान इतनी बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तरफ बढ़ रहे थे, खासकर जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी शंभू बॉर्डर पर, जब उन बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करने की कोशिश की तो इस संघर्ष की स्थिति बन गई और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। और अभी भी टीयर गैस के जो धमाके हैं, जो आंसू गैस के गोले हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, किसान यहां से पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी की स्थिति आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में किसान आगे की तरफ मूव कर रहा था वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आंसू गैस का इस्तेमाल करना इस तरफ इशारा करता है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो तैनात हैं, जो पुलिस फोर्सेस तैनात हैं, वो किसी भी सूरत हाल में किसानों को शंभू बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना चाहती है और इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। किसानों के हंगामे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे तैनात किया गया है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन इसका असर सीधा राजधानी दिल्ली पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं, जगह जगह ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ जहां किसान और पुलिस के बीच में, पुलिस फोर्सेस के बीच में संघर्ष हो रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका असर आम जन
जनजीवन पर क्या पड़ रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां आपको रेंगती हुई नजर आ रही होंगी। तो किसानों के हंगामे के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है शंभू बॉर्डर पर। सबसे बड़ा एक्शन शंभू बॉर्डर पर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर तैनात जो पुलिस फोर्सेज हैं उन्होंने कमान संभाल ली है। उन्होंने भी ये ठान लिया है कि किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे हम बढ़ने नहीं देंगे, और इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुनीत, अभी भी क्या यही स्थिति है? क्या किसान पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है या अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश है? तो चलिए पुनीत के पास हम लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये चारों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक बार फिर से किसानों की आंदोलन की वजह से दिल्ली में संघर्ष की स्थिति बन रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। किसान एक बार फिर से आंदोलन करने की मूड में है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। एक और बड़ी मांग है किसानों की, वो ये है कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। ये वो मांग है किसानों की जिसको लेकर सरकार से बातचीत लगातार करने की कोशिश की गई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर ये फैसला लिया कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और दिल्ली के बॉर्डर्स को इसीलिए सील कर दिया गया, पंजाब की तरफ से आने वाले जो बॉर्डर थे, यूपी की तरफ से आने वाले जो बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा का जो बॉर्डर है या जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो साझा ना हो पाए और बड़ी संख्या में किसान इन बॉर्डर्स पर इकट्ठा ना हो पाए। पिछली बार जो संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी, 378 दिन तक किसानों का आंदोलन चलता रहा था। दावा उसमें किया गया था कि इस आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई थी, और इस आंकड़े को लेकर भी किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस आंकड़े को लेकर किसान लगातार सरकार को निशाने पर लेते हैं। एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ, एक बार फिर से सरकार और किसानों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये जो बातचीत थी ये इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, ये नाकाम साबित हुई। और उसी का नतीजा, उसी के परिणाम इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा संघर्ष की स्थिति है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और टीयर गैस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जो बड़ी संख्या में भीड़ बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रही है या जो दिल्ली की तरफ बढ़ रही है उसे वहां से हटाया जाए, भीड़ का जो फोर्स है उसे तितर बितर कर दिया जाए, और इसीलिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। और किसान आपको यहां से अफरा तफरी के बीच भागते हुए भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आंसू गैस सीधा आंखों पर असर करती है, और उसका नतीजा ये होता है कि खड़ा रह पाना भी मौके पर मुश्किल होता है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? संघर्ष तो शुरू हो गया है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है पुलिस फोर्स ने? देखो, देखिए सिंघू बॉर्डर की प्राची अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे जो दिल्ली से रास्ता हरियाणा की तरफ जाता है उस रास्ते को बंद किया गया है, क्योंकि जो सीमेंट की बैरिकेडिंग बीच में थी उसके अंदर अब कंक्रीट भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं एक ट्रक है और इससे कंक्रीट जो है वो इन बैरिकेड्स के बीच में भरा जा रहा है, इसलिए दिल्ली से जो रास्ता हरियाणा की तरफ जाता है सिंघू बॉर्डर पर उसको बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो पूरे तरीके से बंद है। लेकिन जो रास्ता हरियाणा से यानी कि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है वहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट है उसको पूरे तरीके से बंद नहीं किया गया है। लेकिन आप सामने देखेंगे रिप्रोडक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है किसी भी तैयारी से, क्योंकि यहाँ पर अब जो आला पुलिस अधिकारी है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान है और जो हरियाणा पुलिस है वो आमने सामने है, और जिस तरीके से पंजाब पुलिस किसानों को आगे आने देने जा रही है, उनके रास्ते को नहीं रोका गया है, उससे हरियाणा पुलिस और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसकी दिक्कतें काफी बढ़ेंगी। और यहाँ आप देखेंगे प्राची किस तरीके से ये जो ट्रक है इससे ये पूरा कंक्रीट जो है इन बैरिकेड्स के सीमेंट के जो बैरिकेड्स है उनके बीच में डाला गया है, ताकि किसान अगर ट्रैक्टर से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको फाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा ना कर सके। और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, किसी भी तरीके से किसानों को रोका जाए इसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। इन्फॉर्मेशन जो खुफिया विभाग से पुलिस को मिली है उसके मुताबिक ये जो किसान है ये 6 महीने का राशन लेकर चले हैं, जिसमें 1500 ट्रैक्टर है
और 500 अन्य वाहन है। देखिए हालात कैसे और इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, यानी आपको फॉग ही फॉग नजर आ रहा होगा। और ये किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए किया गया है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक लगातार उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस बीच कृषि मंत्री ने एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं, हमने किसानों को बता दिया है, कुछ चीजों पर हमें राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें रास्ता देखना होगा। यानी एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर किसानों को सरकार लेकर आना चाहती है, लेकिन तस्वीर फिलहाल ये दिखा रही है कि फिलहाल बातचीत से अभी तो समाधान कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से हम पुनीत परिंजा का रुख कर लेंगे, शंभू बॉर्डर पर मौजूद है जहां सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। पुनीत बताइए पहले इस वक्त क्या चल रहा है शंभू बॉर्डर पर? देखिए मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है टियर गैस जो है वो छोड़ी जा रही है वहां से, और पैरामिलिट्री फोर्स जो है लगातार टियर गैस छोड़ रही है। थोड़ी देर बाद जो यहाँ पर जो किसान है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो पीछे हटते हैं, उसके बाद टियर गैस रुक जाती है। और आप अभी भी देख सकते हैं कि ये धुआं जो है ये टियर गैस का है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर छोड़ा गया है। और ये जैसे ही किसान फिर आगे बढ़ते हैं दोबारा से टियर गैस जो है वो छोड़ी जाती है, और लगातार कमोवेश पिछले 10-15 मिनट से यही स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। और ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो काफी बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सभी किसान जो है ये आगे जो बैरिकेड्स थे वहां पर पहुंच चुके थे। आपको सामने मैं एक ट्रैक्टर दिखाता हूं, वो आप सामने जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, दरअसल जब वो ट्रैक्टर बैरिकेड के पास पहुंचा उसके बाद अचानक से जो है वहां से टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया गया, और ये जो किसान थे वो वहीं पर ट्रैक्टर छोड़कर पीछे आ गए। और अब जो है किसान काफी पीछे जो है बैरिकेड से पास, जो पहले काफी ज्यादा शोरगुल था, काफी ज्यादा वहां पर तादाद में किसान थे, अब वो वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी टियर गैस जो है वो रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही किसान फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद एकाएक फिर से टियर गैस जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। ये तस्वीरें कमोवेश यहां से पिछले 15 मिनट से इसी स्थिति में बनी हुई है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर, ये आप देखिए, ये किसान फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसान फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, यहां से लाम बंद हो रहे हैं और एक एक करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, और ये इसी तरह से जैसे ही किसान जो है वो यहां पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर से टियर गैस जो है वो छोड़े जाते हैं, क्योंकि सामने पुलिस जो हरियाणा पुलिस है उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत में जो किसान है, जो पंजाब के किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और ये अभी बड़ी संख्या में जो बॉर्डर से तो दूर हो गए हैं, जो शंभू बॉर्डर है जो वहां पे बैरिकेड्स लगाए हैं उससे दूर होकर जो किसान है बड़ी तादाद में वो इस तरफ खड़े हो चुके हैं। और मीनाक्षी लगातार ड्रोन जो है वो इनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए था, लगातार ड्रोन जो है वो लगातार उड़ान भर रहा था। जैसे ही ड्रोन जो है वो देखा कि ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके आगे जो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए बकायदा एक लोहे का जाल बनाया गया था वो था, तो जैसे ही वो आगे बढ़ा और उसके बाद एक पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उन्होंने जो है टियर गैस छोड़ने शुरू कर दिया। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरे की अगर मैं देखूं तो, अगर जूम करके वहां तक पहुंचता है तो सामने आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अभी भी वहां पर तैनात हैं, और जैसे ही जो किसान है वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें पुनीत आप दिखा रहे हैं उसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि इन आंसू गैस के गोलों का असर कुछ किसानों पर पड़ा होगा, क्योंकि किसान तो अभी भी वहां पर इकट्ठा है। हाँ, बैरिकेड से जरूर पीछे हो गए हैं, लेकिन जो किसान आपके आसपास मौजूद हैं पुनीत, उनका क्या कहना है? अब क्या वो यहां से वापस लौटने के मूड में है या अभी फिर बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि उनका क्या रुख रहेगा। जी आप यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है टियर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्या रुख रहेगा? नहीं, अपनी जीत तो होएगी, फिक्र ना करो, तुम कोई गल नहीं है, गोले गोले सानू कुछ नहीं कर सकते, कोई गल नहीं, सीधा सामना करेंगे। किसान जो है आप क्या, क्योंकि लगातार जो है टियर गैस छोड़े जा रहे हैं, लगातार छोड़ रहे, बहुत जोर से गोले छोड़ रहे, बहुत जोर से, पर जीत के जाएंगे, हारेंगे नहीं हम, ठीक है, पीछे नहीं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, गोली छोड़ दे कोई बात नहीं, दिल्ली जाना, मैं कह रहा वो भी सीने में ताल लेंगे, कोई चक्कर नहीं, दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है, हमारे हक की लड़ाई है। लगातार जो किसान है उनका यही कहना है कि जितने मर्जी ये टियर गैस जो है वो छोड़ दें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली हम जाकर ही रहेंगे। जी
बिल्कुल, देखिए दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और फिलहाल स्थिति तो ऐसी लग रही है कि संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिलेगा। देखिए मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके बावजूद किसानों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बातचीत की गई, सरकार ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल किसान मानने के मूड में नहीं है। किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक हमारी मांगे सरकार पूरा नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। और सिर्फ देखिए हरियाणा का जो बॉर्डर है या पंजाब होते हुए हरियाणा को जो दिल्ली से कनेक्ट करता है वो बॉर्डर सिर्फ सील नहीं किया गया है, बल्कि यूपी से लगे हुए जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उन्हें भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी तैयारी की है, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, सरिया लाई गई है ताकि किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे बढ़ने ना दिया जाए। क्योंकि इस बार भी खबरें बता रही हैं, इस बार भी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि किसान लंबी तैयारी के साथ आया है। नवंबर 2021 में किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था और तकरीबन 2 साल बाद एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गया है। चुनाव से ठीक पहले किसान सड़कों पर उतर आए हैं और इसीलिए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि संघर्ष को यहीं पर रोक दिया जाए, किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जो कृषि मंत्री की तरफ से आ रहे हैं कि किसानों की मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन समाधान बातचीत से निकलेगा, कुछ समय किसानों की तरफ से देना होगा, उसके बाद ही समाधान निकल पाएगा। सरकार हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल सरकार की किसी भी बात पर किसानों को कोई भरोसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों का आने वाली राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। अब किसानों का ये आंदोलन विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बनेगा और हमलावर रहेंगे मोदी सरकार पर, क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले किसानों ने एक बार फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। किसान बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो अपने घर पर वापस लौटेंगे, वो अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे, वो इस मूड में है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का यहां तक कहना है कि उन्हें चाहे गोली खानी पड़े, चाहे उन्हें लाठियों का सामना करना पड़े, वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। इस बीच पुनीत, जो सरकार लगातार कह रही है, जो सरकार लगातार बातचीत का रास्ता तराशने को तैयार है, सरकार अभी भी कह रही है कि हम किसानों से बात करेंगे, बातचीत का न्योता भी दिया जा रहा है, इस पर किसान क्या कह रहे हैं? देखिए किसानों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच किसानों ने यह आह्वान कर दिया कि वो सड़कों पर उतरेंगे, वो दिल्ली जाएंगे और एक बार फिर से दिल्ली में आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था, बाकायदा किसान यूनियनों की तरफ से दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने की अटकलें लगाई जा रही थी और वो अटकलें सड़कों पर नजर भी आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की स्थिति आपके सामने आई हो, इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने आई हो। इससे पहले भी लंबे समय तक किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डेरा डाले रहे थे। किसान लगातार सरकार से बातचीत का रास्ता तराशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो किसान आंदोलन करने बैठे थे और एक बार फिर से किसान आंदोलन करने के लिए बैठ गए हैं। और तकरीबन 2 साल बाद, क्योंकि नवंबर 2021 में धरना किसानों ने खत्म किया था और तकरीबन 2 साल बाद लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर किसान जो हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं और सड़कों पर आकर वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी वो अपनी मांगों को लेकर अभी फिलहाल बातचीत के मूड में भी नजर नहीं आ रहा है। किसानों की का कहना यह है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे और इसके लिए हमें प्रशासन की कितनी भी सख्ती क्यों ना झेलनी पड़े। आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं एक बार फिर से आंसू गैस, बहुत बड़ी संख्या में आंसू गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और किसान जो है वो जैसे ही बॉर्डर के पास पहुंचने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है, उसके बाद अचानक से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर टियर गैस छोड़ना शुरू कर देती है, किसान फिर तितर बितर हो जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें, पूरा जो आकाश है इस समय धूल धुएं से जो है वो भरा हुआ है और काफी मुश्किल यहाँ पर इस समय सांस लेने में काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है किस तरह से जो बॉर्डर के पास जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां पर किसान जैसे ही पहुंचते हैं इकट्ठा होते हैं, उसके बाद टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया जाता है और वो किसान जो है वो भाग कर दूसरी तरफ आ जाते हैं और उसके बाद फिर से जो है कुछ देर के लिए ये टियर गैस जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये सामने आपको मैं ड्रोन दिखा रहा हूँ, आप ये ड्रोन देख रहे हैं, इसी के माध्यम से जो है वो नजर जो है वो रखी जा रही है, इसी के जरिए नजर रखी जा रही है। जैसे ही जो
ड्रोन जो है वो पूरा इस पर नजर जो है ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही है, और जैसे ही किसान जो है बैरिकेड के पास पहुंचते हैं ड्रोन से वो वहां पर तस्वीर देखते हैं, उसके बाद टियर गैस जो है वो यहां पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है पुलिस की तरफ से। और उसके बाद मैं अगर आपको थोड़ा सा और आगे लेकर यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि बॉर्डर की यहाँ पर तस्वीर दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँ यहाँ पे मीना की, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस वक्त ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीर है, ये शंभू बॉर्डर का जहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी वहाँ की तस्वीर है। और ये सामने दूसरी तरफ जो है ये पूरा का पूरा जो समूह देख रहे हैं आप, ये किसान जो है ये बॉर्डर से दूर दूर हो गए हैं लेकिन इस वक्त यहाँ पर डटे हुए हैं, और अब फिर से किसान जो है वो बॉर्डर की तरफ बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा का पूरा समूह जो है ये पूरे के पूरे किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा है, और सामने जो है ये शंभू बॉर्डर है जहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने अपना मोर्चा जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संभाला हुआ है, और जो ट्रैक्टर जो सबसे पहले ट्रैक्टर आगे बढ़ा था वो अभी भी वहाँ पर जस का तस खड़ा है, क्योंकि उसको पीछे लाने के लिए जैसे ही वो लोग जाते हैं उसके बाद से टियर गैस जो है वहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से जो किसान हैं वो आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, वो फिर से आगे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, और जैसे भी आगे पहुँचेंगे बैरिकेड्स के पास पहुँचेंगे और उसके बाद अचानक से फिर से टियर गैस जो है वो शुरू हो जाएगा। ये ड्रोन जो है सर ड्रोन लगातार जो है हर मूवमेंट पे यहाँ पर नजर रखे हुए हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में अब किसानों की जो तादाद है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है चारों तरफ एक हजूम एक जो है वो नजर आ जा सकता है। ड्रोन जो है एक बार फिर से ड्रोन जो है ये आंसू गैस टियर गैस के साथ ये ड्रोन जहाँ पे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी ड्रोन में टियर गैस है, और ये आप देख सकते हैं इसी के अंदर जो है ये टियर गैस जो है कल हमने तस्वीरें भी देखी थी किस तरह से ड्रोन के जरिए टियर गैस छोड़े जा रहे हैं, और ये वही ड्रोन है जिससे टियर गैस जो है वो छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक थैली बंधी हुई है, और ये आप बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे ड्रोन के जरिए भी टियर गैस जो है वो छोड़ा जा रहा है, और ये आप तस्वीरें देखिए ये यहाँ पर ड्रोन बिल्कुल एक्टिव जो है वो हो चुका है, और इसी तरह से लगातार कि यहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं उनको तितर बितर किया जाए बॉर्डर के पास ना आने दिया जाए, इसी वजह से लगातार टियर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया, वो छोड़ दिया टियर, ये देख सकते हैं आप कि ड्रोन ने टियर गैस छोड़ा है यहाँ पे, और वो सामने आप धुआं देख सकते हैं वहाँ पर, ये टियर गैस छोड़ा ड्रोन ने वहां से, ये एक और ड्रोन ने टियर गैस छोड़ दिया लगातार, ये तीन जो है टियर गैस यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से इस बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है टियर गैस छोड़ने के लिए भी, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ड्रोन के माध्यम से टियर गैस जो है छोड़ा जा रहा है, और लगातार अब ये ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर टियर गैस छोड़ने में किया जा रहा है। ये तस्वीरें सिंधु जो शंभू बॉर्डर है वहां से आप देख रहे हैं, और यहाँ से कि इसकी कोशिश यही है कि जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है जो किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको तितर बितर किया जा सके, क्योंकि पहले काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर पहुंच चुकी है, पैदल भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, अब ये ड्रोन जो है वो वापस, ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर टियर गैस छोड़ा गया, और अब ड्रोन जो है वो वापस जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप यहाँ पर जो किसान है वो लगातार हूटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और वो उनके यही कहना है कि वो हर हाल में आगे बढ़ेंगे। बहुत डर चुकी है हरियाणा सरकार, बहुत डर चुकी है पंजाबियों से, दुनिया कांपती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो हर हालत में आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें, और मैं आपको यहाँ पर आगे भी तस्वीर दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर जो है वो इस समय किले के रूप में बिल्कुल यहाँ पर जो है बन चुका है। कुछ यहाँ पर लोग भी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। लगातार यहाँ पर टियर गैस छोड़े जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, जाएंगे दिल्ली, कुछ करेंगे सर, किसान एकता जिंदाबाद, जाएंगे सर दिल्ली। तो जो यूथ है उनका भी यही कहना है, जो यहाँ पर नेता है उनका भी यही कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली को कूच करेंगे, और लगातार किसान जो है वो यहाँ पर जैसे जैसे, अगर मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे, ये इंडिया टीवी पे आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर जो है ट्रैक्टर पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं, और वहां पर जो एक तरह से पूरा पूरी बाढ़ जो है वो किसानों की नजर आएगी फ्लाईओवर के ऊपर। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, और वहां पर जो आपको ये हरे पीले रंग के जो टेंट नजर आ रहे हैं वो दरअसल जो है वो जो है वो ट्रैक्टर्स हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये
जत्था जो था ये फतेहगढ़ साहिब से निकला था और अब ये जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर। और किसान जो है पुल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर किसान है जो पीछे ही रुक गए हैं और फिर से एक बार किसान जो है वो धीरे धीरे बैरिकेड्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, सामने बैरिकेड है और किसान जो है एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही ये किसान जो है वो बैरिकेड की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद अचानक से फिर से टियर गैस जो है उसका वहां पे इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया जाता है और किसान फिर से वहां से पीछे हटते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो पीछे हटते हैं वो टियर गैस जो छोड़े जाते हैं उसका इस्तेमाल रोक दिया जाता है। लेकिन अब एक बार फिर से किसान जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं और वो किसान ये कह रहे हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हालत में दिल्ली जाएंगे, उनका इरादा जो है वो बिल्कुल भी डगमगाएगा नहीं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर किसान जो है वो इकट्ठा है, धीरे धीरे फिर से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और वहीं पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं और जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उन्होंने अपने यहाँ पे मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। ये आप तस्वीरें इस वक्त किस तरह से लगातार जो है जो किसान वो देख सकते हैं आप एक बार फिर से, जो बॉर्डर जो यहाँ पर बनाया गया है, बैरिकेड जहाँ पर लगाए गए हैं वहाँ पर काफी यूथ जो है वो पहुंचा है, उड़दंग वहाँ पर करने की उनके द्वारा कोशिश जो है वो की जा रही है, एक बार फिर से वहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो बॉर्डर है जो वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहाँ पर एक बार फिर से जो यूथ है वो पहुँचना शुरू हो चुका है। और जैसे ही वहाँ पर यूथ पहुँचता है उसके बाद फिर से टियर गैस जो है उनके द्वारा छोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। कमोवेश यही पिछले 15-20 मिनट से यही हालात जो है इस वक्त यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं और जिसके चलते यहाँ पर तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और किसान जो है उनका यही कहना है कि वो हर हालात में जो है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ जो है किसान इधर भी लगातार इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। पहले काफी कम संख्या में थे, ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पूरा का पूरा, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं यहाँ पे आगे सामने, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जूम करके दिखाएंगे यहाँ पर, तो आपको जो नीले पीले लाल रंग के जितने भी ये शेड नजर आ रहे हैं ये दरअसल कोई घर नहीं है बल्कि ट्रैक्टर है पूरे, जो कि पूरे अपने सब जो सामान लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अंदर राशन भी है, इसके अंदर तमाम तरह का है कि किसानों का ये कहना है कि वो कब वापस आएंगे उनको भी नहीं मालूम। पिछली बार जो आंदोलन था वो 300 दिनों से ज्यादा लंबा खींचा था, लिहाजा इसी तरह की तैयारी वो इस बार भी कर आए हैं। और ये सामने जो है एक और मैं ट्रैक्टर आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी तरह का ट्रैक्टर था, ये जो आप सामने ट्रैक्टर देख रहे हैं इसके आगे जो है ये एक लोहे का इन्होंने जो औजार लगाया हुआ है, इससे दरअसल ये जो बैरिकेड्स है उसको तोड़ने की कोशिश जो थी इसी तरह का ट्रैक्टर था वो, जिससे तोड़ने की कोशिश की गई। और जैसे ही वो बैरिकेड्स के पास पहुंचा उसके बाद जो टियर गैस है उसका इस्तेमाल जो था वो शुरू हो गया। और अब बहरहाल यहाँ पर टियर गैस जो रुके हुए हैं लेकिन किसान जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो यहीं पर यहाँ पर इकट्ठा है, काफी बड़ी तादाद में किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए पड़े हैं और उनका यही कहना है कि वो हर हालात में दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर जाएंगे, सरकार चाहे जो मर्जी कर ले वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले नहीं है। और ये जो लगातार जो जिस तरह से दबाव जो है, पिछली बार भी जब दिल्ली सरकार चाहती है कि बातचीत के जरिए जो है वो हल हो, पूरा जो समाधान है बातचीत से निकले, लेकिन बातचीत होगी कैसे क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर तनाव बना हुआ है उसके बाद इस हालात में बातचीत कैसे होगी ये एक बड़ा सवाल है। कि यहाँ पे यह किसानों की तरफ से जो है लगातार विनती की जा रही है उनसे, थोड़ा से जो बुजुर्ग किसान है उनका उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसी ने भी उस तरफ पत्थर नहीं फेंकना है, कोई भी इसी तरह का कोई पत्थर जो है वो उस तरफ नहीं फेंकेगा ताकि जो आंदोलन है वो हिंसाग्रस्त ना हो जाए। इस तरह की अपील जो है वो बुजुर्ग किसान जो है उनके द्वारा की जा रही है युवाओं से। और युवाएं जो है वो उनको पहले भी लगातार इस तरह की अपील की जा रही थी कि हुड़दंग जो है वो ना करें, सबको इकट्ठा होने दें, उसके बाद ही हम आगे जाने की रणनीति करेंगे। लेकिन युवा थे वो आगे बढ़े, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और लिहाजा उसका जो है सामने तस्वीर ये आई कि वहां से आंसू गैस के जो गोले थे उनका छोड़ा गया, उनका सामना उनको करना पड़ा। और इस वक्त आप तस्वीरें जो है लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, और जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर जमावड़ा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर से जमावड़ा जो है वो बैरिकेड्स के आसपास जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। और किसी भी वक्त फिर से टियर गैस जो है वो चलाए जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही वहां पर जमावड़ा होता है उसके बाद टियर गैस छोड़े जाते हैं। और ये एक तरफ की तस्वीर है, ये जो रास्ता है ये वो रास्ता है जो यहाँ से सीधा दिल्ली की तरफ जाता है,
और दूसरी तरफ का जो रास्ता मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो रास्ता दिल्ली से आने का सीधा अमृतसर की तरफ जाता है और उस तरफ से भी टीयर गैस जो है वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से भी जब जो है किसान आगे बढ़ते हैं उसके बाद टीयर गैस फिर से छोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है इस समय काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और किसान जो है वो अपने मांग से पीछे हटने को यहाँ पर फिलहाल तो तैयार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर रसद और अपनी सामग्री जो हो लेकर चले हैं तो उनके जो इरादे जो है वो इससे जाहिर हो जाते हैं कि वो किसी भी हालत में पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये किसान एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुल के ऊपर जो अगर हम दिखाऊं तो काफी ज्यादा पुल के ऊपर जो है इस समय भीड़ जो है वो नजर आ रही है और पिछली तरफ एक बार फिर से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफी बड़ी संख्या में जो बैरिकेड्स हैं उसके पास किसान जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये बैरिकेड्स हैं जहां पर किसान जो है वो एक बार फिर से पहुंचना शुरू हो चुके हैं और किसी भी वक्त फिर से टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे हैं ये सामने आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो किसान है वो बैरिकेड्स के पास पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे और बैरिकेड्स के पास जैसे ही किसान पहुंचते हैं यूथ जो है खासकर वो पहुंचता है और उसके बाद टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया जाता है और एक बार फिर से काफी बड़ी संख्या में जो किसान थे जो यूथ था वो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। हालांकि जो बुजुर्ग हैं जो उम्रदराज जो किसान हैं उनका ये कहना है कि कोई भी पत्थर उस तरफ नहीं मारेगा, कोई भी उकसाएगा नहीं, इस तरह की अपील जो है उनके द्वारा यहां पर की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से यूथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आगे बढ़ना शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम किसी भी हालत में आज दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें एक दिन लग जाए चाहे हमें दो दिन लग जाए, लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनका यही कहना है कि किसी भी हालत में जो है उनको हरियाणा में या दिल्ली तक नहीं जाने दिया जाएगा। दोनों तरफ जो है वो जो है अपने अपने वो उनको जो सरकारी ड्यूटी मिली है वो उसको निभा रहे और जाहिर तौर पर किसान जो है उनका ये कहना है कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए आगे जाएंगे। इस तरह की ये देख सकते हैं आप कि इस तरह का बोरियां जो है वो गिल्ली कर लेकर जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये बोरियां जो है वो लेकर जाई जा रही हैं, ये गिल्ली बोरी है जिस तरह की इसको पूरी तरह से पानी के अंदर भिगोया हुआ है कि जहां से टीयर गैस छोड़ा जाएगा तो उसके ऊपर ये जो पानी में भिगोई हुई जो ये बोरी है उसको गिरा दिया जाएगा ताकि उसका असर जो है वो कम हो जाए। लेकिन ये एक महज एक दो के हाथों में नजर आ रही है, इसका ज्यादा तो यहाँ पर असर नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे वहां से एक बार फिर से किसी भी समय यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े जा सकते हैं और लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। एक बार फिर से किसानों ने आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया है और किसी भी वक्त यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़ा जा सकते हैं। और पीछे भी आप देखेंगे, पीछे एकदम रास्ता जो था वो खाली हुआ था लेकिन अब ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ये आप सामने तस्वीरें देखें तो ये ट्रैक्टर पे किसान कुछ हैं वो आगे आना शुरू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे एक बार फिर से किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर पूरे ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं थे, सिर्फ भीड़ यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे तनाव की स्थिति जो है शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है और ये यहाँ पर उनका यही कहना है कि किसी भी हालत में वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि इस इलाके में 144 जो है वो लगाई गई है और ये 7 लेयर की जो सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है। पहले सिंगल जो है वो यहाँ पर बैरियर जो है वो रखे गए हैं, सीमेंट के स्लैब जो है वो सिंगल है, उसके आगे फिर कंटीली तारें जो है वो लगाई गई हैं और उसके आगे जो है फिर सीमेंट के स्लैब और उनके बीच में बकायदा पूरा सीमेंट जो है वो भरा गया है और उसके पीछे फिर कंटीली तारें, इस तरह से 7 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है। और उसके बाद किसानों की कोई सबसे पहली चुनौती यही होगी, अगर उन्होंने दिल्ली पहुंचना है तो सबसे पहले शंभू बॉर्डर के इसी हर्डल को पार करना होगा, उसके बाद ही वो दिल्ली के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से ड्रोन जो है आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अपनी उड़ान जो है वो भर चुका है। ये ड्रोन आपको उड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ड्रोन जैसे ही मूवमेंट करता है उसके कुछ ही देर बाद जो है वो ड्रोन जो है टीयर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए जाते हैं। और इस बार फिर से दोनों तरफ जो है ये उस तरफ मैं दोनों सड़कें आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिल्ली जाने वाली सड़क है और वो दिल्ली से वापस आने वाली सड़क है और दोनों तरफ जो है किसानों का जमावड़ा जो है वो अब बढ़ना शुरू हो चुका है और दोनों तरफ से जैसे ही किसान वहां पर जमावड़ा बढ़ता है उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल जो है उनके द्वारा जो है पैरामिलिट्री फोर्स है वो शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से ड्रोन जो है
उसने उड़ान भरी, ड्रोन ने यहाँ पर नजर रखी, उसके बाद ड्रोन जो है वापस चला गया है और कुछ ही देर बाद जो है अब किसान लगातार फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान किस तरह से एक बार फिर से जो वहां से हटे थे अब फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसानों का ये कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनका जो इरादा है ये डगमगा नहीं सकता है, वो दिल्ली कूच करेंगे और वो जो उनकी मांग है MSP, क्योंकि लगातार जो MSP को लेकर पेज फंसा था, एक MSP को लेकर पेज फंसा था, दूसरा कर्ज माफी को लेकर पेज फंसा हुआ है, उसकी मांग को लेकर वो यहाँ पर दिल्ली जाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, दिल्ली जाना चाहते हैं किसान और इसीलिए पूरी तैयारी करके किसान पहुंचे हैं। और किसानों का ये जो आंदोलन है फिलहाल तो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये जो टाइमिंग है किसानों के आंदोलन की, इसको लेकर जरूर अब एक राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये अपने ही देश में किसानों के साथ कैसा तानाशाह रवैया बीजेपी की सरकार मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है। जो तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कीले लगाई गई हैं, सरिया लगाए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी सूरत हाल में दिल्ली पहुंचने ना दिया जाए। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इसे भी एक तानाशाह रवैया विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर पुनीत आप दिखा रहे हैं, जो रंग बिरंगे हमें ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, क्या सामान जो किसान है वो लेकर चले हैं अपने साथ इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने के लिए? क्या क्या सामान है किसानों के पास? किसान की कोई जो है वो यहाँ पर टीयर गैस समझ नहीं छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ये आप लगातार तस्वीरें जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अनाउंसमेंट की थी कि आगू हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, वो आगे आ गए और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब अनाउंसमेंट यहाँ पर जो है वो की गई है, उससे पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी हुई है कि जो किसान नेता हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं वो आगे आ जाए, इस तरह की अनाउंसमेंट वहाँ पर की गई है। लिहाजा अब कुछ बुजुर्ग जो थे उनके द्वारा अपील भी की गई थी, कोई भी पत्थर वहां पर नहीं फेंकेगा। और अब इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो, क्योंकि यहां से बैरिकेड काफी दूर है, लिहाजा अनाउंसमेंट जो है वो सुनाई यहां पर कैमरे के माध्यम से नहीं देगी, लेकिन अनाउंसमेंट जो है यहां पर दूर की गई है कि जो किसान जो है वो यहां से जाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं वो दूर पहुंच सकते हैं यहां पे उनसे बातचीत करने के लिए, जो है वो जा सकते हैं। और तीन जो लोग हैं वो यहां पर इंजर्ड जरूर हुए हैं, यहां पर जो अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि तीन इंजर्ड हुए हैं यहां पर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बार फिर से जो है किसान जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया है उन्होंने और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं कि लगातार किसान जो है उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और एक बार फिर से हालांकि अपील भी जो वहां पे प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि कुछ किसान जो नेता है वो अगर वो बातचीत करने के लिए आना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। अब वो अपील कितनी कारगर यहाँ पर सिद्ध होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि जमावड़ा जो है वो लगातार जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है यहाँ पे किसानों का और किसान जो है वो एक बार फिर से जो जो वहाँ पर स्लैब रखे गए हैं, जो बॉर्डर बनाया गया एक तरह से, वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और लगातार जिस तरह से 10 मांगे थी, कल जो है 5 घंटे मैराथन मीटिंग हुई, 5 घंटे लगातार बैठक हुई वहाँ पर, और बैठक के बाद कोई भी नतीजा जो था वो नहीं निकला। हालांकि जो 8 तारीख को बैठक हुई थी उसमें ये जरूर हुआ था कि 8 तारीख की बैठक के बाद ये जरूर निर्णय साफ हो गया था कि किसान भी ये कहने लगे थे कि जब बाहर आए सोहन सिंह पंदेर हों या दल्लेवाल, उनका यही कहना था कि ज़्यादातर मांगों पर सहमति जो है वो बन चुकी है, लेकिन सिर्फ कुछ ही मांगे हैं MSP और उसके अलावा कर्ज माफी, उसको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन अगले दौर की बैठक में इस पर कोई नतीजा जो है वो जरूर निकलेगा। लेकिन कल जब बैठक हुई 5 घंटे लगातार 6:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार 5 घंटे जो है वो बैठक जो है वो चली और उसके बाद भी कोई नतीजा जो है बहरहाल उस बैठक में निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। किसान जो थे उनका भी यही कहना था कि जो मांगे थी, जो ज्यादातर मांगे थी वो तो जरूर मान ली गई हैं, लेकिन जो मेन मांग है वो यही है कि जो यहाँ पर MSP और कर्ज माफी, उसको लेकर सहमति नहीं बनी और इसलिए हमारा आंदोलन जो है वो 13 तारीख यानी आज जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली कूच की, उन्होंने बात की थी 10 बजे, उन्होंने कहा था कि हम बड़ी संख्या में दिल्ली कूच की तरफ जाएंगे, 10 बजे हमारा प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। फतेहगढ़ साहिब में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली जो थे वो इकट्ठा हो गए और अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली जो है जितने भी थे वो अब पीछे यहाँ पर रुके हुए हैं। ट्रैक्टर ट्राली जो है वो पीछे एकदम से रोक वहां पर पुल के ऊपर ही रुक गए हैं सामने, और इधर जो है
कोई भी ट्रैक्टर ट्राली जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन पैदल जो है वो बड़ी संख्या में किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, और वो पुल जो है सामने आपको जो फ्लाईओवर नजर आ रहा है उसके ऊपर जो पूरा जो रश है वो इस वक्त ट्रैक्टर और ट्राली का ही नजर आएगा। उसके अलावा तमाम जो किसान है वो वहां पर पुल के ऊपर इकट्ठा हो चुके हैं, और आगे जो है वो सारे यूथ, ज्यादातर यूथ है इसमें, और इनका यही कहना है कि वो किसी भी हालत में जो है वो आगे जरूर जाएंगे। एक बार फिर से आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार जिस तरह से यहाँ पर एकदम से लगातार 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े गए, उसके बाद जो यूथ था वो पीछे हटा, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर जो लगातार अब जो थे वो एक बार से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। जब यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से दूर दूर तक जो किसान यहाँ पर थे वो कहाँ पर जाकर पहुँच गए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं आप कि जो कि जैसे यहाँ पर आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, उसके बाद जो यहाँ पर किसान थे वो आप देख सकते हैं कि खेतों में जाकर बैठ गए थे। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में किसान जो है वो खेतों में बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं एक बार फिर से ड्रोन की मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रही है, ये ड्रोन जो है यहाँ पर उड़ान भर रहा है, ये ड्रोन की मूवमेंट जो है यहाँ पर हो रही है फिर से, और ये ड्रोन जब मूवमेंट है ये यहाँ पर पूरी नजर रखता है, और उसके बाद जो है ये ड्रोन पूरी मूवमेंट यहाँ पर रखता है, मूवमेंट पूरी नजर रखता है कि यहाँ पर कितनी तादाद में किसान है, कहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्राली जो है वो इकट्ठा है, और जब ये यहाँ से चला जाता है उसके बाद जो है प्रशासन उसके पूरे हालात का जायजा लेता है। कुछ किसान जो है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जायजा जो है वो ड्रोन के द्वारा माध्यम से यहाँ पर लिया जा रहा है। पहले ये खेतों की तरफ गया है, पहले ये जो ड्रोन था ये जो जीटी रोड है उस पर पूरा जायजा लिया, और अब जो है ये खेतों की तरफ जो है वो गया है, यहाँ पर नजर जो है पूरी तस्वीर जो है वो उसके द्वारा कैप्चर की जा रही है, और किसान जो है वो यहाँ पर लगातार खेतों के बीच में भी डटे हुए हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ किसान जो है वो घग्गर नदी के जो है किनारे किनारे जो है वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि घग्गर नदी के किनारे किनारे जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल बैरिकेड, अगर मैं कहूँ तो ये बैरिकेड बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस जो है एक तरह से वो कर चुके हैं, यहाँ से ये बैरिकेड जो है वो यहाँ से क्रॉस जो है वो कर चुके हैं, और ड्रोन के ऊपर जो है लोग हैं वो पत्थर जो उनको मारा जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन जो है लगातार उनकी मूवमेंट पर नजर रखे है तो उसको कैप्चर जो उसको गिराया जाए, लेकिन ड्रोन काफी ऊंचाई पर है, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश जरूर जो है वो की जा रही है। देख सकते हैं आप ये पत्थर जो है ड्रोन के ऊपर मार चलाया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन को नीचे गिराया जाए। बहरहाल ड्रोन की जो ऊंचाई है वो काफी ज्यादा है, और आगे की मैं अगर आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ लगातार कि किस तरह से यहाँ पर अब जो कच्चे रास्ते से भी जो किसान हैं वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी तादाद जो है वो नाम मात्र ही है, उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा नहीं है। कुछ किसान जो है वो दूसरी तरफ जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो मार्च था जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ आगे बढ़ रही थी उनको बहरहाल पुल के ऊपर फिलहाल तो रोक दिया गया है, और पैदल जो है लोग वो जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन वो भी पुलिस से उनकी संख्या जो है वो काफी कम है, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्राली थी अब उनको पुल पर ही फिलहाल रोक लिया गया है, जो आगे यहाँ पर बढ़ रहे थे अब उनको पुल पे रोक दिया गया है। ये तस्वीर आप इस वक्त शंभू बॉर्डर पर देख रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर हलचल है, और ये लगातार इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से दिल्ली जो है वो पहुंचा जाए। दिल्ली जाने की जो मांग है इनकी, ये कहना है कि हम दिल्ली जाकर धरना देंगे, दिल्ली में सेंटर सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी आंदोलन के जरिए, और जो हरियाणा पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो किसी भी कीमत पे इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और यही यहाँ पर टकराव की स्थिति जो है बहरहाल यहाँ पर बनी हुई है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग थे जो किसान थे वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको आगे बढ़ने यहाँ पर नहीं दिया गया है। बहरहाल जो लगातार 15-20 मिनट जो लगातार टीयर गैस छोड़े गए उसका एक नतीजा ये निकला है कि ट्रैक्टर जो आगे बढ़ रहे थे वो बहरहाल अब पुल पर रुके हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको कितनी देर रोका जा सकता है, कितनी देर रोका जाएगा ये अब डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त तो फिलहाल जो ट्रैक्टर थे उनको जस के तस वहाँ पर रुके हुए हैं, पिछले काफ़ी समय से वो वहीं पे अपना डेरा जो है उन्होंने जमा लिया है, और पैदल जो है वो किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें जो हैं ये देख रहे हैं कि पैदल किस तरह से किसान जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ना शुरू उन्होंने कर दिया है। ये तस्वीरें आप इस वक्त जो है ये इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं।
बिल्कुल पुनीत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान फिलहाल पीछे हटने के मूड में तो कम से कम नहीं है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं तो किसान थोड़ा पीछे जरूर हटा है, लेकिन अभी भी बैरिकेड्स को क्रॉस करने के मूड में नजर आ रहा है। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है तो किसानों की भी नजर उस ड्रोन पर बनी हुई है और उस ड्रोन को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर के आई है ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है या रिपोर्ट ऐसी बता रही है कि उनमें सामान भरकर लाया गया है। 6 महीने तक किसान कैसे डटा रहेगा इस आंदोलन में यह तैयारी की गई है। पिछली बार तकरीबन 1 साल से ज्यादा यह आंदोलन चला था। 17 सितंबर 2020 को आंदोलन शुरू हुआ था और 2021 नवंबर दिसंबर में जाकर यह आंदोलन खत्म हुआ था। 378 दिन यह आंदोलन चला था और इस बार भी कोशिश यह की जा रही है कि लंबा किसानों को टिकना है, इसलिए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की अपनी पूरी तैयारी है, प्रशासन किसी भी सूरत हाल में इन किसानों को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना चाहता है, लेकिन किसान यह कह रहे हैं कि चाहे गोली खानी पड़े चाहे लाठियां खानी पड़े हम तो बॉर्डर क्रॉस करके ही रहेंगे। हालांकि इस किसान आंदोलन का जो एक अलग तस्वीर है या जो इस किसान आंदोलन के अलग मायने हैं वो राजनीति में जरूर देखने को मिल रहे हैं। अब पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, इस रवैये को तानाशाह रवैया बताया जा रहा है। किसानों पर आंसू गैस का जो प्रयोग किया गया है उसको लेकर भी मोदी सरकार पर अटैकिंग मोड में पूरा का पूरा विपक्ष आ गया है। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की जा रही हैं और यह पूछा जा रहा है कि देश के किसानों के साथ आखिर ये रवैया क्यों किया जा रहा है, ये कीले क्यों लगाई जा रही हैं, आखिर ये सरिया क्यों लाई जा रही है, ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग क्यों लगाए जा रहे हैं, किसानों को दिल्ली आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि किसान पूरी तैयारी के साथ आया है और ये छोटी मोटी भीड़ नहीं है बल्कि बड़ी संख्या में यह भीड़ है। पंजाब की तरफ से मूव कर रहे हैं तो यूपी की तरफ से भी मूव कर रहे हैं, इसलिए सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। पुनीत, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? तो देखिए, एक एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी जो ड्रोन का मूवमेंट है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी जो टीयर गैस लगातार छोड़ी जा रही है उसका इस्तेमाल भी अभी पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि जैसे ही किसान पीछे हटते हैं फिर एक नई रणनीति के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की जाती है, इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमें कमेटी के गठन करने की जरूरत है, इसीलिए हमें दिया जाए, हमसे बातचीत की जाए, लेकिन फिलहाल किसान ये कह रहा है कि सरकार ने हमें धोखा दिया है। पुनीत, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हम देख रहे हैं आपके जरिए, जो जिन ट्रैक्टर्स में रंग बिरंगे टेंट लगे हुए देख रहे हैं, क्या सामान लेकर किसान आगे बढ़ रहा है, बैरिकेटिंग को क्रॉस करने के लिए क्या इंतजाम है किसानों के पास? देखिए, जब से पहले मैं आपको यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो दिखाना शुरू करूँ तो वो इस वक्त आप जो है यहाँ पर उनको बहरहाल पुल पर ही रोक लिया गया है और जो किसान है उनका यही कहना है कि इसके अंदर कम जो है पूरा जो है राशन जो है वो लेकर चले हैं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है कि ये आंदोलन कितना लंबा खींचेगा, कितनी देर तक चलेगा, क्योंकि पिछली बार जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो कुछ इसी तरह की स्थिति थी, इसी तरह से उन्हें हर्डल पार करके जाना पड़ा था और उस वक्त भी वो अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉलीज के अंदर काफी बड़ी संख्या में राशन जो है वो लेकर पहुंचे थे यहाँ पर। इस वक्त कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनको लेकर यहाँ पर खड़े हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा संख्या में राशन भी है और कई ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसी हैं जिसके अंदर मिट्टी तक भरी हुई है। उस मिट्टी का भरने का मकसद ये है कि जहाँ कहीं प्रशासन द्वारा सड़कों पर गड्ढे पिछली बार खोद दिए गए थे तो उनको तुरंत उसकी मदद से जो है वो भर दिया जाएगा। जेसीबी नुमा मशीन जो है वो ट्रैक्टर के आगे बनाई गई है, उसका मकसद यही है कि इससे जो बैरिकेड्स हैं, जो सीमेंट के ब्लॉक्स जो बनाए गए हैं उनको हटाया गया है, उनको आगे से तोड़ते हुए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही इसी जो जेसीबी नुमा मशीन को लेकर वो ये शंभू बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं और जिसके बाद किस जो ट्रैक्टर है बहरहाल वो पीछे फ्लाईओवर पर ही रुके हुए हैं और ये लगातार अपना जो फ्लाईओवर वहीं पर डेरा जो है जमाए हुए हैं। लेकिन किसान का ये कहना है कि वो हर हालत में दिल्ली जाएंगे, उनको कोई भी टस से मस नहीं कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक किसान है, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर पहुंची है तो मेरे गलते खराब हो गया। लेकिन ट्रैक्टर ट्राली में पूरा राशन लेके चले, बहुत ज्यादा पूरा राशन लेके चले हैं जी, कोई वो नहीं अपने को कमी। राशन का राशन आपके पास लेके चले हैं? अपने को 6 महीने का राशन है जी। हाँ जी, 6 महीने का राशन अपने को है इस टाइम।
बाकी अपना फिर पिंड च स्नेहा दे देंगे तो फिर पिंड तो आजू। हाँ जी, छः महीने का राशन अपने को इस टाइम। तो ये आप ट्रैक्टर मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ यहाँ पे, तो वो आप ट्रैक्टर सामने, मैं जैसा कि आपको जिक्र कर रहा था कि ये जेसीबी नुमा जो ट्रैक्टर है वो बनाया गया है यहाँ पर, वो सामने आप ट्रैक्टर देखें तो वो जेसीबी नुमा ट्रैक्टर जो है वो बनाया गया है यहाँ पे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जेसीबी नुमा ट्रैक्टर है। ये इसका मकसद यही है कि जो हर्डल्स आएंगे, जो जिस तरह से बैरिकेड्स आएंगे उनको तोड़ा जाएगा, और ये मिट्टी हटाने का काम वैसे करते हैं खेतों के अंदर। ये जो आगे जेसीबी नुमा जो आगे पार्ट देख रहे हैं, ये मिट्टी हटाने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है, जिसको देसी भाषा में सुहागा भी बोला जाता है। लेकिन बहरहाल तो सरकार पूरी तैयारी के साथ इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से भी, और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं, छह महीने का राशन लेकर आए हैं। और कैसे आंसू गैस से बचना है, कैसे बैरिकेडिंग्स को तोड़ना है, कैसे गड्ढों को भरना है, ये पूरी तैयारी किसानों ने कर रखी है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, हम अपने घरों पर वापस नहीं लौटेंगे।